मॉर्निंग बच्चों हूँ फर्स्ट क्लास। इससे पहले वीडियो में आप बालिका का व्यक्तित्व पर प्रभाव चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें व्यक्तित्व संबंधी दृष्टिकोण और श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में आपने पढ़ा। इस वीडियो में व्यक्तित्व पर वंशानुगत प्रभाव यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर वंश या पूर्वजों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रत्येक बालक अपने माता पिता और पूर्वजों से कुछ मुख्य गुण लेकर जन्म लेता है जो उसके व्यक्तित्व का कारण बनता है। यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो कुछ माता पिता या पूर्वजों से भी निर्धारित होता है, यानी उसका वंशानुगत प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो बालक के व्यक्तित्व पर वंश का या पूर्वजों का या माता पिता के गुणों का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है शारीरिक रचना। शारीरिक रचना माता पिता के अनुसार या अपने पूर्वजों के अनुसार ही शरीर की लंबाई चौड़ाई, कोई व्यक्ति छोटे कद का है तो अधिकांश ये शारीरिक गठन या शरीर की रचना जो है वो माता पिता या पूर्वजों से ही मिलती है बालक को। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में पर्यावरण का इसमें हाथ होता है, थोड़ा बहुत अंतर आता है, लेकिन अधिकांशतया माता पिता या पूर्वजों से अपने वंश परंपरा से ही उसको ये गुण मिलता है। यानी बच्चे की लंबाई या कद छोटा होना, शरीर मोटा होना, पतला होना, ये सब अपने पूर्वजों से माता पिता से मिलता है। दूसरा है ग्रंथियों की रचना। शरीर में कुछ ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों की रचना भी वंश से या माता पिता से बच्चों को प्राप्त होता है। तो इन ग्रंथियों से कुछ स्राव इन ग्रंथियों में उत्पन्न होते हैं और ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, नलिका विहीन और नलिका विहीन। इन ग्रंथियों में जो स्राव बनते हैं वो स्राव रक्त में मिल करके कुछ नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, ये अपने स्राव सीधे रक्त में मिलाती हैं, स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। और कुछ नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं जो पाचन से संबंधित होती हैं, यकृत है, पित्ताशय है, अग्नाशय है, ये सब ग्रंथियां जो हैं ये सीधे अपना नलिकाएं भोजन नाल में मिला करके भोजन की पाचन की सहायता करती है और शोषण की सहायता करती है। तो कुछ ग्रंथियों की रचना भी वंश या पूर्वजों से बालक को प्राप्त होती है। इसे ग्रंथियां दो प्रकार की बताया आपको, एक नलिका विहीन और दूसरी नलिका युक्त। नलिका युक्त ग्रंथियों में जिसमें नलिकाएं होती हैं, शरीर में आंतरिक भाग में यह ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे यकृत है, प्रिया है, अग्नाशय है, ये सब ग्रंथियां जो हैं इनमें बनने वाले स्राव ये भोजन के पाचन में सहायता देती हैं। कुछ ग्रंथियां हैं नलिका विहीन, इनसे इनमें बनने वाले स्राव सीधे रक्त में मिला दिए जाते हैं, इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं और रक्त में मिल करके ये शरीर में अनेक लक्षण उत्पन्न करते हैं, अनेक तरह के कार्यों को करने में सक्षम होती है। ये नलिका विहीन ग्रंथियां कई हैं शरीर में, जैसे पहली है इनमें बनने वाले स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। तो सबसे पहली है गल ग्रंथि। गल ग्रंथि जिसे थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, गले में सामने की ओर होती है ये। इस ग्रंथि का प्रभाव पुत्री पर पड़ता है, इसके अधिक उत्तेजित होने से, इस ग्रंथि के अधिक उत्तेजित होने से बच्चे की बुद्धि तो कम लेकिन उनके शरीर की लंबाई अधिक बढ़ जाती है, जिसका सीधा संबंध पड़ता है बच्चे की मनोभावनाओं पर। और ऐसा बच्चा चिड़चिड़ा, उदंड, जिद्दी, क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। गल ग्रंथि का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, यानी जिसकी गल ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि में हार्मोन्स जो है कम बनता है या अधिक श्रमित नहीं होता उसकी बुद्धि, वो व्यक्ति जो है बौना रह जाता है, वो बालक बौना रह जाता है, उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है, कम विकसित हो पाती है। दूसरा है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में इसके स्राव की कमी से मानसिक शक्ति कमजोर हो जाती है।
इसमें बनने वाले स्राव से मानसिक शक्ति कमजोर हो जाती है, बच्चे का सही ढंग से मानसिक विकास नहीं हो पाता है। तीसरी ग्रंथि है आलिंगिक ग्रंथि। यह ग्रंथि दो भागों में बटी होती है और इस ग्रंथि के अधिवृत्त ग्रंथि वृक्क के ऊपर होती है। अधिवृत्त ग्रंथि के बाहरी भाग की निष्क्रियता से, अगर बाहरी भाग इसका निष्क्रिय होता है तो व्यक्ति में निर्बलता, शिथिलता, चिड़चिड़ापन और परिस्थितियों से समायोजन नहीं कर पाता, यानी चिड़चिड़ापन आ जाता है उसमें, किसी भी तरह की परिस्थितियां होती हैं तो उससे समायोजन नहीं कर पाता, इससे बहुत घबराता रहता है। और आंतरिक भाग की निष्क्रियता, आंतरिक भाग जो है इसमें इसकी निष्क्रियता के कारण क्या होता है, भावात्मक रूप से बच्चा कमजोर हो जाता है और अधिक अगर श्रावित होती है, ये ग्रंथि अधिक श्रावित होती है, अधिक सक्रिय हो जाती है तो शीघ्र उत्तेजना आती है व्यक्ति में, शीघ्र ही वो उत्तेजित होने के कारण चिड़चिड़ापन और बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव हो जाता है। अगला है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथियां स्त्री पुरुष में अलग अलग होती हैं और जैसे बच्चा युवावस्था को प्राप्त होने लगता है जनन ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, बच्चों में अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं, स्त्रियों में अलग लक्षण होता है जैसे मासिक धर्म का आना, स्तनों का बढ़ना, ये सब लक्षण प्रकट होता है। पुरुषों में आवाज भारी होना इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। अगली है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी मस्तिष्क में पाई जाती है। ये ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर, जितनी नलिकाविहीन ग्रंथियां हैं सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण का कार्य करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। अगला है शारीरिक रचना, ग्रंथियों की रचना। अगला है स्नायुक मंडल। जिस बालक का स्नायु मंडल जितना अधिक सुव्यवस्थित रूप से विकसित होता है उसका व्यक्तित्व भी उतना ही विकसित होता है। अगला है मानसिक गुण। कुछ मानसिक गुण भी बच्चे को वंशानुगत प्राप्त होते हैं, जैसे क्रोध, दया, ये सब भावनाएं जो है ये बच्चे में, बुद्धि, स्वभाव, ये सारी चीजें जो है भावनाएं ये बच्चे में जन्म से ही यानी कुछ वंशानुगत इसे प्राप्त होते हैं,